Welcome back again to my channel Ride and Shine. Today it's 25th of July. Right now time is 10:30 in the morning and hum aaj ja rahe hain Chandigarh. हाईवे नंबर 44 है, इसका पहले नाम था नेशनल हाईवे नंबर 1. राइट नाउ आई एम ट्रेवलिंग CBR 250 बाइक मैं सर्विस सेंटर पर खड़ी करके आ चुका हूँ. अभी मैं जा रहा हूँ सुखना लेक. राइट नाउ टाइम इज 5:15. Suicide point. Today it's 26th of July. Right now it's 7:30 in the morning. It's a kind of meditation center at the end of the Sukhna Lake. और यहाँ पर ये बुद्धा का स्टैचू है. It's a peaceful area. You can visit this area for meditation purposes. Evening में बुद्धा स्टैचू पर lighting lit up कर दी जाती हैं तो रात को और ज़्यादा खूबसूरत लगता है बुद्धा का स्टैचू. Basically this is the way to wildlife sanctuary of Sukhna Lake. It's around 26 square kilometer area of forest land and यहाँ पर जो birds आते हैं वो Australian birds हैं. It is a reservoir at the foothills of Himalayas of Shivalik range. जो average depth है यहाँ की 8 feet है and maximum depth है वो 16 feet है. This is the end of Sukhna Lake और जो ये आप पीछे देख पा रहे हैं this is the jogging track. अभी थोड़ी देर पहले मैं वहाँ पर था. एंड है सुखना लेक का वहाँ पर एंड यहाँ से ये होता हुआ ये पूरा ट्रैक है. यहाँ पर काफ़ी लंबा ट्रैक है. ये जो एरिया है सुखना लेक का वो है 3 स्क्वायर किलोमीटर. सनसेट पॉइंट व्यू बहुत अच्छा है.
जॉगिंग के लिए आ सकते हैं, रनिंग के लिए आ सकते हैं, अलग से ट्रैक बना हुआ है। एंड जो अभी मॉनसून का सीज़न चला हुआ है, इस सीज़न के अंदर यहाँ पर मैंगो का फेस्टिवल लगता है। लेट्स टॉक अबाउट चंडीगढ़ सिटी। इट्स अ पीसफुल सिटी। उस टाइम आर्किटेक्चर थे ली कोर्बुज़िएर, जो फ्रांस के रहने वाले थे, उन्होंने प्लान की थी बैक इन 1st of November 1966। चंडीगढ़ को कन्वर्ट कर दिया गया यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया में। एंड ऑन द सेम डे पार्टीशन हुआ था पंजाब एंड हरियाणा का। दिस इज़ द ओनली यूटी विच इज़ द कैपिटल ऑफ टू स्टेट्स, हरियाणा एंड पंजाब। दिस इज़ द फर्स्ट एवर सिटी बिल्ड बाय प्रॉपर प्लानिंग। चंडीगढ़ में कोई भी सेक्टर 13 नहीं है, बिकॉज जो 13 नंबर है उसको अनलक्की माना गया है। दिस इज़ द एम्बलम ऑफ चंडीगढ़, ओपन हैंड एम्बलम है, एज यू कैन सी बिहाइंड मी। इट्स अ पीसफुल सिटी, इट्स अ ब्यूटिफुल सिटी। जो इलेक्ट्रिक सिस्टम है इसका, वो सारा का सारा अंडरग्राउंड है यहाँ का। आप कभी भी यहाँ इस सिटी के अंदर ट्रैफिक जैम नहीं देखोगे। यहाँ पर सुखना लेक के पास में रॉक गार्डन है। दिस इज द रॉक गार्डन क्रिएटेड बाय नेक्सन, डेडिकेटेड टू द स्पिरिट ऑफ क्रिएटिविटी बाय द पीपल ऑफ इंडिया। एंड यहाँ पर जो स्कल्पचर यूज की गई है वो रिसाइकल्ड मटेरियल है। हम अभी पंकज भाई के साथ हैं, इन्हीं के घर रुका हुआ था मैं कल। लेजर वैली एक प्रोजेक्ट बनाया है, आर्टिफिशियल लेक जो बनाई गई है वो सेक्टर 42 में है यहाँ पर। पंकज भाई ये देखो, अभी यहाँ पर पानी डाला नहीं हुआ, बारिश का पानी का। हाँ, और ये आर्टिफिशियल लेक बनाई गई है गवर्नमेंट की तरफ से। ये जो ये देखिए आप, इसका पूरा एरिया तो 2 किलोमीटर में है, जिसमें इसमें साथ में अपना पार्क भी आ गया। हाँ हाँ, और ये जितना भी ना गवर्नमेंट का एक्वायर करा हुआ एरिया है सारा, ये ओके गवर्नमेंट के अंदर है ना सारा। एमसीडी जैसे अपना दिल्ली में होता है, यहाँ पर एमसीडी इनका। छोटे छोटे बच्चे भी देखो वहाँ पर पीछे, छोटे छोटे बच्चे स्कूल से फन करने के लिए आए हैं यहाँ पर, अपना स्कूल ड्रॉप करके आए हैं, क्लास बंक करके आए हैं। वो ऐसा सीन होता है, शाम को तो बहुत ज्यादा रौनक लग जाती है। 2008 में बनाई गई है। एंड हम आ चुके हैं यहाँ पर होंडा में CBR के लिए। बाय द वे ही इज मिस्टर अंगद। सो भाई साहब, क्या कुछ हुआ अपनी बाइक में काम? इसमें एक दो चीज़ें तो हमने रिपेयर कर दी हैं, ओके, लेकिन जो मेजर रिप्लेसमेंट करनी थी वो हमारे पास स्टॉक में रेडी नहीं है, जो पार्ट था। ओके, तो अब वो जो हैं वो आपके दिल्ली जाके वो पॉसिबल होएगा। जो बेसिकली जो ये पल्सेटर रिंग है इसकी, इसमें प्रॉब्लम आ चुकी है। एंड वो वाला, ये वाला पार्ट यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, इसी के कारण जो ABS की लाइट है वो ब्लिंक कर रही है। एंड ABS इज़ ऑल्सो नॉट वर्किंग प्रॉपरली। सो अभी दिल्ली में वापस जाकर देखते हैं, वहाँ पर ऑर्डर करेंगे, वहाँ से करवाएंगे। सो दिस इज़ इट, दिस इज़ द टाइम टू से गुड बाय टू मिस्टर अंगद। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो आपकी बाइक से रिलेटेड, बिग बाइक से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ कॉन्टैक्ट करना यहाँ पर मिस्टर अंगद को। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका नंबर आपको दे दूँगा, वहाँ से आप चेक कर लेना। आप कुछ बोलना चाहेंगे? सर, जो भी ये कल्चर फॉलो कर रहे हो, इट्स वेरी गुड फॉर यू। अभी सैचुरेटेड नहीं हुआ इंडिया के अंदर, बाइकिंग कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ। ओके, तो सबके ओपिनियन शेयर करने चाहिए, सबके ओपिनियन लेने चाहिए, लेकिन जब आप बाइक डिसाइड करते हो बिफोर परचेजिंग द मोटरसाइकिल, डोंट रन बिहाइंड द पावर आउटपुट। सो ऑल मशीन्स आर जस्ट मेंट टू बी रिडन, सो फाइंड दैट सूट्स योर स्टाइल। इट्स नॉट जस्ट लाइक द ओनली पावर 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 एवरीवेयर, सो चूज वाइजली। But touring purpose, your 350 single cylinders are very fine. People are, you know, you get all the spare parts at any of the part in India. Even in remote parts, normal mechanic can repair your 350s. I'm talking about bullet, na? We are talking about bullets. Yeah. But otherwise, all machines are good at their own level. But always, power is nothing. You just decide the riding, the ride, the motorcycle according to your riding style. आपको किस टेरेन में राइड करनी है, कैसी राइड करनी है, टूरिंग पर्पजेज़ के लिए चाहिए, ट्रैक पर्पज़ के लिए चाहिए, वो आपको डिसाइड करना होगा। उस हिसाब से आप अपना चूज़ करिए, जो भी मशीन आपको लेनी है, बाइक लेनी है, जो भी। सो ओके ब्रो, सी यू देन, टिल नेक्स्ट टाइम, जल्दी मिलेंगे हम। राइड हार्ड, या एंड ऑलवेज बी सेफ। हैविंग गुड राइडिंग गियर्स, या थैंक यू। फुल पैक्ड अप, 37 डिग्री से बाहर फिर भी फुल पैक्ड अप है। गर्मी में बहुत बुरी हालत हो जाती है मेरी, बहुत बार। नहीं, हम बुरी हालत नहीं बोल रहे, इट्स गुड फॉर अस। या इट्स गुड फॉर अस, आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो रही है, व्हेन यू स्वेट अ लॉट ना योर बॉडी गेट्स डिटॉक्सिफाइड। सो सी यू ऑन बाइक।
राइट नाउ द टाइम इज 4:42 इन द इवनिंग एंड हम यहाँ से निकल रहे हैं होंडा से चंडीगढ़ से. सो गाइज आई एम बैक इन दिल्ली. उस टाइम बहुत ज़्यादा बारिश आ रही थी इसलिए अच्छे से वीडियो एंड भी नहीं कर पाया था मैं. इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड शेयर. ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवेंट. टिल नेक्स्ट टाइम सी या बाय. हैव अ नाइस डे.